शहर के विभिन्न मंदिरों में हनुमान जयंती का आयोजन श्रद्धा भक्ति पूर्वक हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई और दोपहर में महाआरती हुई। बालाजी मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी रही और सभी भक्तों ने श्री राम परिवार, श्री शिव परिवार और बालाजी के दर्शन कर जयकारे लगाए। तत्पश्चात महाआरती में भाग लिया। अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कल्याण सेवा समिति सेक्टर 1 तिलकनगर भीलवाड़ा द्वारा कल्याण संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पूर्व संध्या पर हनुमान जी की आरती कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें श्री श्याम म्यूजिकल ग्रुप भीलवाड़ा के सिंगर राकेश कुमार सेन द्वारा सुंदरकांड पाठ किया गया एवं भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान पुष्पेंद्र नरवाल, प्रताप सिंह राठौर, राकेश आचार्य, दिलीप नामा द्वारा पाठ में सहयोग दिया गया और श्रोताओं ने भजनों का जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश लड्ढा थे और ललित शंकर भट्ट, दौलत सिंह पवार, पुजारी रघुनंदन व्यास, सुरेश शर्मा, रमेश काकरवाल इस दौरान उपस्थित रहे। वहीं शुक्रवार को हनुमान जी का रुद्राभिषेक कर संजीव गर्ग द्वारा हनुमान जी को सुंदर वस्त्रों का चोला चढ़ाया गया और दोपहर में महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरित हुआ। श्री जानकी जाते हैं श्री राम चरित्र मानस पंचम सोपान सुंदर पंचमुखी दरबार में हनुमान जयंती को लेकर स्वर्ण चोला चढ़ाया गया तथा विभिन्न धार्मिक आयोजन परंपरागत ढंग से संपन्न हुए। नगर विकास न्यास कार्यालय में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती का भव्य आयोजन धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम संयोजक ओम तिवाड़ी ने बताया कि सवेरे 5 बजे मूर्ति अभिषेक, तत्पश्चात हवन का आयोजन, इसके बाद 9 बजे भजन कीर्तन, दोपहर में महाआरती के बाद 56 भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान अरुण शर्मा, रवि कुमार, कुश काबरा, शरद सारस्वत आदि कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। शहर में रपट के हनुमान जी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई तथा विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक बढ़ चढ़ कर भाग लिया।